यूपी के हमीरपुर जिले में एक गैंग रेप की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, अपने साथ हुई शर्मसार घटना के बाद अपने परिजनों के साथ मेडिकल करवाने आई यही वो नाबालिग लड़की है जिसके साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन लोगों ने पहले इस लड़की का अपहरण किया, उसके बाद एक से ज़्यादा लोगों ने इसके साथ दुष्कर्म किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस लड़की। पानी हमको आधार नहीं पहुँच पाए, हमको पकड़ लिया था, खूब इज्जत लूटा है वैसा, दो ही लोग थे वैसे, फिर हमको पकड़ के ले गए, खूब इज्जत लूटा है वैसा। बच गए, हमारे चाची जी रहा है, चाचा रहा है, चिल्लान थे जब मराई भगवान तो जब आए थे वैसे। सूबे की मुखिया कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों की मीटिंग ले लेकर सर पटक रहे हैं, लेकिन घटनाएं हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमीरपुर जिले में नाबालिग लड़की को बंधक बनाना और उसके साथ गैंग रेप करना सूबे में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ में और भी चार चांद लग गए हैं। मतलब पानी भर रही थी, पानी भरने हम भी गए थे, वहाँ से लौट के आए, हमको एक आदमी बताया कि तुम्हारी लड़की को घींच ले गए, तो हम अंदर देखने गए तो वहाँ कोई नहीं, बुड्ढा बा भीतर से बोल निकला, कह रहे यहाँ कोई नहीं, हम वापसी आ गए। इसके बाद पिछले वाले दरवाजे से निकाल दिया, उसके बाद अपना दोनों लोग निकले, फिर इसके बाद ये हमारी रिपोर्ट वपोर्ट को गए तो वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं सुनाई किया। फिर कल हमीरपुर आया तो हमीरपुर में मतलब फिर वहाँ से फ़ोन आने लगा कि हम तुम आओ यहाँ, दर्ज हुई, फिर इसके बाद आगे हम मतलब हमीरपुर में। मोर बिटिया का पानी भरने गई थी तो भूरा ठाकुर एक आध लड़का बैठाए रहे थे भीतर, भूरा ठाकुर लुहा के हाथ पकड़ के इज्जत लूटो है बिटिया को, रिपोर्ट कर दी है सब कुछ का बिगा का, हाँ एक नहीं पकड़ोगा। बताया जा रहा है कि जब नाबालिग लड़की अपने घर से पानी लेने जा रही थी तभी वहां मौजूद एक अधेड़ उम्र के भैरव सिंह ने शराब के नशे में उस लड़की का अपहरण कर लिया, यहां तक कि उसे अपने घर उठा कर ले गया। बताया जाता है कि उसके साथ उसका एक दोस्त सुरेश भी था जिसने बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चाचा और चाची ने मोहल्ले वालों को जानकारी के देने के बाद आरोपी के घर से अपनी बेटी को मुक्त करवाया। आनन फानन में परिजनों ने पीड़िता को लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने पीड़िता लड़की का मेडिकल करवाते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सुमेरपुर के इमिलिया गांव में एक बलात्कार का मामला सामने आया है, उसमें बाजी की तहरीर पे तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दो आरोपी हैं, इसमें से एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे जो है जो भी विक्टिम है उसका मेडिकल करा के जो आगे जो भी तक सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो विवेचना रथ है उसमें जो भी तक सामने आएंगे उसी के अनुसार ही कार्रवाई कर ली जाएगी।